तो आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हो। आप सर्च कर रहे होगे कि हम किस लोन ऐप से लोन ले, कौन सी वर्किंग लोन ऐप से। लेकिन आपका जो ये वीडियो है जो आज मैंने लेके आया है, वो आपकी लाइफ बदल देने वाला वीडियोस है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ इससे जुड़ी हुई, लोन ऐप से जुड़ी हुई, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप इस ट्रैप से कभी नहीं निकल पाओगे अगर फंस जाते हो। लेकिन आज इस वीडियो में मैं कुछ लोन ऐप्स के नाम भी बताऊंगा जो एक्चुअल में अच्छी लोन ऐप्स है, उसके बारे में भी बताऊंगा। इस वीडियो में बने रहें, पूरा एंड तक इस वीडियो को देखें दोस्तों। और आपके लिए दो जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक सीक्रेट है, अर्निंग का सीक्रेट है, जो कि मैं आपको लिए बाद में लेके आऊंगा। तो पहले तो एक बात सुन लीजिए। हमारे एक सब्सक्राइबर थे जिनका नाम था अभिषेक कुमार, ठीक है। तो उन्होंने आज से ठीक 1 साल पहले एक ऐप से लोन लिया था, जो कि उन्होंने 2,000 का लोन लिया था और उनके बैंक अकाउंट में आए थे 1,400 रुपये। तो मतलब यहाँ पे आप ये समझ लो कि वो लोन ऐप्स ने 600 रुपये, मतलब 400 तो उनका प्रोसेसिंग फीस में जीएसटी एस लगा के उनको काटा, 2,000 का उनको 1,400 रुपये बैंक अकाउंट में मिला दोस्तों। और उसके बाद जब देखो यार, और वो लोन मिला सिर्फ 7 दिन का, वो लोन मिला सिर्फ 7 दिन का। उसके बाद उस बंदे ने 7 दिन बाद पैसे नहीं हो पाए उसके बाद, तो उसके लिए उसने दूसरे ऐप से लोन लिया जिसमें भी उनको तकरीबन 2,000 का ही अमाउंट मिला। और इस तरह करते करते उस बंदे ने जो है 20 से 30 लोन ऐप से लोन ले लिया, जो कि 2,000 का जो अमाउंट था वो 2-3 लाख तक यहाँ पे पहुँच गया था, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि कभी भी आप लोन ऐप से लोन लेते हो तो पूरा देख लो और किसी भी तरीके का एडजस्ट कर लो, लेकिन इन लोन ऐप से लोन ना लो। ये चीज़ अच्छी हुई उनके साथ, क्योंकि ये चाइनीज़ फर्जी लोन ऐप्स थी जिसकी वजह से उन्होंने उनका लोन रिपेमेंट नहीं करा। हालांकि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बिकॉज वो फर्जी लोन ऐप्स बंद हो गई। कुछ ने ऑपरेशन अपना पूरी तरीके से भारत में बंद कर दिया, क्योंकि उनको तेलंगाना पुलिस ने धरपकड़ कर ली थी, ठीक है। और जो कंपनी रजिस्टर्ड थी उनके लिए हमने उनको एक तरीका बताया, 1 से 2 तरीके बताया, जिसको अप्लाई करके वो काफ़ी हद तक अपने कुछ लोन उन्होंने ख़त्म कर लिया। जी हाँ दोस्तों, ये दो दो तरीके मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। मैं जो अर्निंग रिलेटेड वीडियोस नहीं देखना चाहते वो वीडियो को यहीं पे छोड़ के चले जाएँ, स्किप कर दे, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। तो उसमें से जो सबसे पहली दोस्तों जो ऐप्स थी, ग्रो ऐप्स थी, जिसमें उन्होंने पर रेफ़र करके 100 रुपीज़ कमाया, और उनका एक टेलीग्राम चैनल था, उनका बेनिफिट यहाँ पे उनको मिला। उनके टेलीग्राम चैनल में 10 से 20 हज़ार लोग जुड़े हुए थे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का ये बेनिफिट हुआ कि उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल में उस लिंक को शेयर करा, जिससे तकरीबन तकरीबन उनके लिंक से तकरीबन 500 लोग रजिस्टर किए। 500 लोग इंटू आप 100 कर दो तो 50,000 रुपये उन्होंने सिर्फ अपना लिंक शेयर करके कमा लिया, क्योंकि उनको भी मिला और जिसको उन्होंने शेयर करा उसको भी मिला। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ अप स्टॉक ऐप से। जब IPL चल रहा था दोस्तों, तो अप स्टॉक जो ऐप्स है उसने अपने प्रमोशन के लिए पर रेफर के 500 दिए। आप लोग हमेशा सर्च करते रहते हो अर्निंग ऐप्स जिसमें आपको 5 रुपये 10 रुपये पर रेफर का मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये मिलता है। तो लेकिन वो ऐप्स जो है वो 500 दे रही थी। हालांकि वो ऐप्स अब जो है वो चार्ज लेने लगी है, लेकिन अभी भी वो चार्ज बहुत ही कम है, 116 रुपये टोटल चार्ज है, जिसमें वो अगर आप उसको पर रेफर करते हो तो आपको यहाँ पे 300 से मिलता है। लेकिन 31 मई के बाद और IPL स्टार्ट होने के बाद ओकेज़न में वो आपको 500 ज़रूर देते हैं। और लेकिन अगर आप उनके रेफरल एजेंट प्रोग्राम से जुड़ जाते हो साइन अप करने के बाद, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आपको डबल अमाउंट मिलेगा। मतलब ये समझ लो कि अगर रेफर अमाउंट 500 है, तो अगर आप एजेंट बन जाते हो तो आपको 1,000 रुपये यहाँ पे आपके वो भी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। उनको बेनिफिट इसलिए मिला क्योंकि उनका टेलीग्राम चैनल था। आप में से बहुत सारे लोगों के पास ऑडियंस नहीं है, तो आप टेलीग्राम चैनल किसी के ग्रुप में भी ज्वाइन करके आप इस लिंक को शेयर कर सकते हो। आप व्हाट्सएप ग्रुप बना के शेयर कर सकते हो और उससे अच्छा खासा अर्न करके। आपको लोन तो पहले बात तो लेना नहीं चाहिए अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपको लोन लेना है तो आपको अपने बैंक से लेना चाहिए और ऑथेंटिक ऐप से लेना चाहिए। एक दो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ ऐप्स। एक है ब्रांच ऐप्स, जो कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वो ठीक है ब्रांच ऐप्स दोस्तों। जो दूसरी ऐप्स अगर हम बात करते हैं, दूसरे पे लेटर वाले जितने भी ऑप्शन आप उनको ट्राई कर सकते हो, पे लेटर वाले जैसे कि पेटीएम पे लेटर है, बट तो उसमें वो लोग ब्लॉक कर देते हैं और यहाँ पे कॉल बहुत करते हैं, इसलिए ये इशू आता है। तो यहाँ पे आप पे लेटर के ऑप्शंस प्रेफर कर सकते हो। पे लेटर में क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट होता है वो बच जाता है, आपका इंटरेस्ट नहीं लगता है, ठीक है। तो एक ये ब्रांच है, दूसरी क्रेडिट भी है, लेकिन क्रेडिट भी मैं आपको बता दूं, अगर आप पेमेंट नहीं करते तो आपका सिविल डाउन होता है
और आपको लीगल नोटिस आ सकता है। लीगल नोटिस आ सकता है, इसका मतलब ये नहीं होगा लीगल कार्रवाई होगी। और बहुत सारी जो ऐप्स अभी वर्क कर रही हैं, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बोलना चाहूँगा, और आप अगर नए हो, आपको लग रहा है ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं और इजी हैं, तो ये आप गलत समझ रहे हो, ये इजी बिल्कुल नहीं है। अगर आपको देखना है तो हमारे दूसरे चैनल जिसमें 35,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, उसके वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो मैंने दो तरीके बताए हैं अर्निंग के लिए, आप उनको प्रेफर करके अर्न कर सकते हो। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएंगे, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप हो मिल जाएंगे, उसमें ज्वाइन करके कर सकते हो और अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो। आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बजाय उसके लोन ले। देखो, अगर आप कहीं से भी लोन लेते हो तो आपको एक टाइम के बाद उसको पेमेंट करना पड़ सकता है। अगर आप उसको पेमेंट नहीं करते हो तो आपका जो सिविल होता है, जो फ्यूचर में आने वाले टाइम पे अगर आप लोन लेने जाओगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा, और आपका जो सिविल है उस पर डिफॉल्टर कहीं ना कहीं शो हो जाएगा। और 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार के लोन के लिए आप ये काम बिल्कुल ना करें कि अपने जो प्रोफाइल है उस पर डिफॉल्टर लिखवाए, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। मैं आपको यही एक बार फिर से रिकमेंड करूंगा, और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अर्निंग पे ध्यान दें। और अर्निंग के लिए हम बहुत सारी ऐप्स इस वीडियो में लेके आने वाले हैं अपने चैनल में, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और दोनों में अप्लाई कैसे करना है उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा, तो आप जाके अप्लाई करने वाला भी देख सकते हो। और हमारे लिंक के थ्रू अगर आप करते हो तो आपको 100 रुपीज़ मिलता है, और वो आप 1 से 2 दिन के अंदर आप अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हो। आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।